नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। कुछ दिनों पहले हुए हाई प्रोफाइल केस के 5 दिन बाद पुलिस की तत्परता सामने आई और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव को नोटिस भेजा गया है। अब शायद एल्विश की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यूट्यूबर को सांप के जहर और रेव पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने ये नोटिस भेजा है। एल्विश को जल्द ही इंटेरोगेशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। नोएडा पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। अभी 5 आरोपियों की रिमांड और बढ़ सकती है। अंदेशा जताया जा रहा है कि पुलिस एल्विश को आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। एल्विश पर रेव पार्टीज में सांप का जहर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एल्विश यादव पर दिन जांच का शिकंजा और सख्ती बढ़ाने का पुलिस का प्लान कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अभी तक एल्विश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन रेव ड्रग्स पार्टी केस में पुलिस ढील देने के मूड में नहीं है। फेमस यूट्यूबर पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। राजस्थान में भी एल्विश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। जिस व्यक्ति को ट्रेस किया गया था वो एल्विश यादव की ऑडियो को वेरीफाई भी कर चुका है और साफ तौर पर इल्जाम लगा चुका है, जिसकी जांच लगातार जारी है। हालांकि एल्विश लगातार अपनी सफाई में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक राहुल यादव ने पीएफए मेंबर से बातचीत में रिवील किया था कि एल्विश की पार्टियों में ये ड्रग लाया जाता है। राहुल ने बताया था कि दिल्ली में बहुत चेकिंग होती है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना होगा। वहां पर क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है विदेशियों वाला, जो उनका एजेंट बुक करता है उनकी हेडेक हमारी रहती है, उनका कांटेक्ट भी तो कितना बड़ा है। एल्विश के वहां तो पुलिस वाले जाते भी नहीं है। जब हम प्रोग्राम करने वाले हैं छतरपुर में है, वहां सबको पता है कि उनके फार्म हाउस पर प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होता, सिर्फ आधा घंटा होता है। उसके बाद सबसे पहले हमारी टीम को वहां से निकालते हैं, इन चीजों का रिस्क नहीं लेते हैं। एल्विश यादव की रेव पार्टी में ड्रग्स पहुंचाने का केस गौरव गुप्ता ने रजिस्टर करवाया है, जो कि मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल यानी कि पीएफए से जुड़े हैं। वो लंबे समय से इस मामले पर जांच पड़ताल कर रहे थे और एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत उन्होंने ये खुलासा किया था। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए द नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।